नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसे इसके लिए भी आपको केवल दो ही चीजें भरनी है, अभी भी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं। आप अगर उसमें इंग्लिश अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इंग्लिश चूज कर लीजिएगा, हिंदी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हिंदी चूज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको QR चाहिए तो QR, अगर VPA चाहिए तो VPA, ठीक है। अब आप इसको स्कैन करेंगे, आराम से आपका पेमेंट हो जाएगा। आपको 3 मिनट के अंदर अंदर ये प्रोसीजर 3200 इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 200 की फ्लैट छूट मिल जाएगी। जल्दी से जाकर के कोर्स को परचेस कर लीजिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि PG का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ दिनों हमने समय लिया क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज की नोटिफिकेशन आनी बाकी थी। तो आपको जब तक पूरी जानकारी नहीं हो जाती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे वो एडमिशन ले रहे हैं, तब तक फॉर्म भरना थोड़ी सी जल्दबाजी होती है। और शुरू में थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज भी थी, जैसा कि किसी किसी यूनिवर्सिटी का नाम डालने पर हमें वो नाम ही नहीं मिल रहा था। अभी जाकर के फाइनली सारी चीजें शॉर्टेड है। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि इस वीडियो में जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप उसको आराम से फॉर्म को फिल कर लीजिए। और एक विश्वास मानिए कि आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो उसके बाद कहीं भी आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी से जानने और पूछने की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि पीजी का जो वेबसाइट है वहां पर जाकर के और अपना वो उस नाम को डालना है। और वो वेबसाइट क्या है, cuet.nta.nic.in। ये जो वेबसाइट है यहाँ पर जाकर के आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि दो आपके पास बटन लगे हुए हैं, पहला है कि होम पेज आपका खुलेगा, दूसरे में आपका रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा। आप मान लीजिए कि होम पेज को ही ओपन करते हैं। जैसे ही आप होम पेज को ओपन करेंगे आपको यहाँ पर दिखेगा कि इनवाइटिंग ऑनलाइन पीजी, सबसे पहले ऊपर में देख सकते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET के लिए, ये बेसिकली पीजी के लिए है, ठीक है। यहां आप देखेंगे अबाउट अस है, इंफॉर्मेशन है, ई सर्विस है, अर्काइव है, FAQ है, कॉन्टेक्ट अस है। अर्काइव सेक्शन में आप देखेंगे यहां पर आपको आपके सारे सिलेबस जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी आपको सिलेबस चाहिए हो आप इस सेक्शन में जाकर के अपना सारा जो है सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। खैर हम चलते हैं फॉर्म भरने की तरफ, फॉर्म को भरने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे यहां पर रजिस्ट्रेशन फॉर CUET पीजी कैंडिडेट के लिए है, आप इसको क्लिक करेंगे, ओके क्लिक कर लेंगे, आपका फॉर्म जो है वो फॉर्म की तरफ, हम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहां आप देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए है, ये सेक्शन जो है वो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म जो है पीजी के लिए। एप्लीकेशन नंबर अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो अपना एप्लीकेशन नंबर यहां फिल करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, सिक्योरिटी पिन डालेंगे, साइन इन कर लेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अभी सबसे पहले अगर हमने कुछ भी नहीं किया है तो पहले न्यू रजिस्ट्रेशन हम करेंगे। आइए यहाँ पे आप, तीन प्रोसेस है, पहला है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म और तीसरा है फी पेमेंट। इन तीन स्टेजेस में आपका जो फॉर्म है वो फिलअप होने वाला है, ठीक है। ये देखेंगे आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो था उसको अगर डाउनलोड करना हो तो यहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल 827 पेजेस की ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो इसमें भी मिल जाएगी। खैर हमने उसका एक निचोड़ वीडियो बना दिया है, आप जाकर के उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट का जो प्रोसीजर था वो सारी चीजें वीडियोज में आपको बता ही दी गई है। चलेंगे नीचे, यहाँ पर आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन झूठ या सच, इसको क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड, नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहां आप देखेंगे कि कैंडिडेट सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, फी पेमेंट, जो तीन स्टेप हमने बताए थे। CUET PG 2023 का ये फॉर्म है, ठीक है। यहां पर आप कुछ भी एक नाम भर लेंगे, फादर्स का नाम में श्री और वो वगैरह नहीं लगाना है, कुछ भी आप एक फॉर्म, अपने पिताजी का नाम, माता जी का नाम और कैंडिडेट्स नेम, ये अपने आधार कार्ड के अनुसार या जो 10th का मार्कशीट है उसके अनुसार अच्छे से भर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी हो उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर लेंगे, ठीक है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसको सावधानी से फिल कर लीजिएगा। जेंडर में जो भी आपका मेल फीमेल थर्ड जेंडर जो भी हो वो फिल कर लीजिएगा। आपका यहाँ पे नेशनैलिटी मांगेगा, नेशनैलिटी में आपको इंडियन, जो भी आप इंडियन है तो इंडियन, फॉरेनर है तो फॉरेनर, आप फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको पूछ रहा है आइडेंटिटी टाइप आप कौन सा फिल करेंगे। एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है, अगर आप आधार कार्ड यहाँ ढूंढेंगे तो शायद आपको नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विद फोटोग्राफ, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अपनी आईडी जो है उसका नंबर डाल देना है, आराम से जो भी आपके नंबर होंगे उसको आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रीमिसेस नंबर यानी आपका जो गांव है या इलाका है उसका नाम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद सब लोकैलिटी, उसके ऊपर का कुछ आपका पोस्ट वगैरह होगा, उसके बाद लोकैलिटी यानी जो तहसील होती है उसको आप भर सकते हैं,
उसके बाद कंट्री में आपको क्या भरना है, यहाँ इंडिया अपना सर्च कर लेंगे, आ गया इंडिया, इसको फिल कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, स्टेट में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको यूपी, उत्तर प्रदेश, जो भी आपका जिला हो, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या बिहार जो भी हो, उसको आप फिल कर लेंगे। ठीक है, यहां पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट फिल कर लेना होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे, उसके बाद अपना पिन कोड जो है वो आपको डाल देना होगा। ठीक है, मोबाइल नंबर सही से डालिएगा, क्योंकि यही जो नंबर है इसी पर आपका पिन कोड आने वाला है, जो भी आपके आगे की प्रोसीजर होगी वो इसी के माध्यम से होने वाली है। क्लियर है, कंफर्म मोबाइल नंबर, एक बार फिर से आपको मोबाइल नंबर अपना डाल देना है। ठीक है, एक बार फिर से आप मोबाइल नंबर को पुट कर देंगे यहाँ पे। ये सारी इंफॉर्मेशन आप बिल्कुल सिंपल है, कहीं भी इसमें आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। ईमेल एड्रेस भी आपको सही से डालना है, क्योंकि यहीं से आपको बाकी आगे के प्रोसीजर जो भी होंगे वो प्रोसीड होंगे। ठीक है, तो इसको सावधानी से आराम से अपना ईमेल आईडी सही सही भर लीजिएगा। आगे की जो भी नोटिफिकेशन होंगी, ओटीपी होगी, वो इसी ईमेल आईडी पे आपकी आने वाली है। ठीक है, कंफर्म ईमेल आईडी करना है, आराम से इसको आप, ऑटो फिल आ रहा है तो मुझे फिर से टाइप करना होगा शायद, हाँ ठीक है, तो एक बार फिर से इसको टाइप कर लेंगे। ये सब प्रोसीजर्स बिल्कुल आसान है, इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है वो भी परमानेंट एड्रेस के साथ ही है तो उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका ऊपर वाला ही सारा फिल हो जाएगा, उसको फिर से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि आप जहां भी अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डालेंगे उसी के आसपास के 2-3 जिलों में ही आपका सिटी सेंटर जो है वो जाएगा, सेंटर सिटी आपका वही मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको कहाँ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भी अगर कुछ आप दिमाग लगाना चाहें, वैसे सही सही आप भरिए आराम से, उस पे रिलेटेड जो भी आपके सिटीज आते हैं उसको आप भर दीजिएगा। ठीक है, पासवर्ड में आप ध्यान रखेंगे कि आपको एक कैपिटल लेटर डालना है, एक स्मॉल लेटर, और साथ में एक आपका स्पेशल एंट्री और 1-2-3 चाहिए। तो आपको अपना जैसे कुछ भी हुआ, एक कैपिटल लेटर में हमने डाल दिया, एक स्मॉल लेटर में चाहिए, और टोटल एटलीस्ट आपका पासवर्ड जो होना चाहिए वो 8-13 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ भी हमने भर लिया, एक स्पेशल डिजिट हम ले लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो 1-2-3 भर लिया हमने। अब हमें पासवर्ड तो याद नहीं, अच्छा एक सेकंड, तो सही से इसको भरना पड़ेगा, आराम से इसको याद करके हम भर लेते हैं। तो इस तरह से आप अपने पासवर्ड को सेट कर लेंगे और इसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपको हर समय ये आएगा आपको जरूरत। ठीक, सिक्योरिटी क्वेश्चन है, सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कोई भी एक जैसे वेबसाइट का आप अपना डाल सकते हैं, कोई भी आपको वेबसाइट हो, जैसे कि यहाँ हम chumpak.com डाल देते हैं, आपको जो भी एक वेबसाइट का हो जिस पर आप रेयरली विजिट करते हैं उसका आंसर, जैसे अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसके लिए ये आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है, यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन है जो नीचे में दिया हुआ है, उसी को आपको फिल कर देना है, B5L851। क्लियर है, इसको हम कर देंगे सबमिट, अगर कोई दिक्कत होगी तो इसमें दिखा देगा, वरना फिर ये आगे की तरफ प्रोसीड हो जाएगा और हमारा फॉर्म जो है वो प्लीज अब यहाँ पर है। अगर आपको सेंड ओटीपी चाहिए तो आपको वो करना है, वरना अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको हर बार जब भी ये एडिट करने का पूछता है तो एक बार अपनी सारी चीजों को फिर से मैच करना है, ताकि आप आगे परेशान ना हो, करेक्शन कराने की जरूरत ना पड़े। आई एग्री किया हमने, सबमिट एंड सेंड ओटीपी कर दिया, यस कर दिया हमने, तो हमारे फोन में जो है वो ओटीपी आ जाएगी, उसको हम फिल कर लेंगे। क्लियर है, यहाँ पर हमारी ओटीपी आ चुकी है, मैं उसको चेक करके आपको फिल कर देता हूं। जैसे ओटीपी है हमारा 9546 39, ठीक है, ये हमारा सबमिट कर दिया हमने। ठीक,
हर बार अपने डिटेल्स को चेक करना मत भूलिएगा बच्चों, क्योंकि यहीं पर परेशानी होती है। एक बार अगर आप अच्छे से भर लेते हैं तो आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। यहां से आपका एप्लीकेशन नंबर और सारी चीजें जनरेट हो जाती हैं, आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया जाता है, आपको एसएमएस के थ्रू मोबाइल नंबर पे भी भेज दिया जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है और फी पेमेंट इनकम्प्लीट है। हम चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ और नेक्स्ट कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ हम क्लिक करेंगे और यहां पर आराम से हम एप्लीकेशन फॉर्म को फिर से फिल करेंगे, जहां पे हमारी कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी उनको हम फिल करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। कहीं भी कोई आपको परेशानी होने वाली नहीं है, आराम से धैर्य के साथ इन वीडियोस को देखते रहिएगा, इस वीडियो को आराम से देखते रहिए। देखिए यहां पर आपका एप्लीकेशन नंबर है, ये वहां पे दिखाएगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कहीं पर अच्छे से इसको सेव कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर समय आपका चाहे रिजल्ट आना हो या आंसर की चेक करनी हो या एडमिट कार्ड निकालना हो, हर समय आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, ये दो चीजें बहुत जरूरी है, इनको आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह रखेंगे जहां से ये खोए नहीं, ठीक। हम चलते हैं पर्सनल डिटेल की तरफ, जो कि हमारा दूसरा सेक्शन है, कॉन्टैक्ट डिटेल इसने पहले से फिल कर दिया है। आप देखेंगे ये पहले से जो चीजें भरी होंगी वो सारी चीजें यहाँ पर फिल हो जाएंगी। नेशनैलिटी हमारा फिल था, स्टेट हमें भरना है फिर से, तो स्टेट में हम क्या करेंगे, ठीक है, स्टेट यहाँ पर हम फिल कर देंगे स्टेट। उसके बाद कैटेगरी हमें फिल करना है, कैटेगरी में देखिए आपको जो भी भरना हो वो आप भर सकते हैं। यहाँ पर आपको ज्यादा चीजें शायद इस बार जो है वो आपको जो कैटेगरी का जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर नहीं डिमांड कर रहा है। अगर आप पीडब्ल्यू हैं यानी फिजिकली वीक हैं तो यस करना है, नो है तो नो कर देना है, ठीक है। क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, स्पोर्ट्स कोटा की एलिजिबिलिटी ये है कि आप स्टेट लेवल पे यानी डिस्ट्रिक्ट के थ्रू नहीं, स्टेट स्टेट की कॉम्पिटिशन हुई हो जो नेशनल लेवल होता है वहां तक आपने खेला हो तब जाकर के आपका स्पोर्ट्स कोटा में यस होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं है तो नो। एनुअल फैमिली इनकम आपकी जो भी रही हो आपके इनकम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग उसको आप भर देंगे। रिलीजन भर देना है, एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है उसको आप भर देना है, ठीक है। उसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस, नहीं है तो नो। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन फिल करना है, उसको आप आराम से फिल कर सकते हैं। आर टू यहाँ पर है हमारा, यू 281 ये हमारा सिक्योरिटी पिन है जिसको हम आराम से भर के यहां पर नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही 6 प्रोसेस हैं, आराम से उसको देख करके एक एक फिल कर लीजिएगा। कहीं भी आपको समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। क्या आपके पास आधार नंबर है, यस कर सकते हैं नो कर सकते हैं ये आपके ऊपर है। अब उसमें आप बताना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं वो भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं, वॉलेंटरी ये है, इसमें से आप चूज करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैं आधार कार्ड का जो जानकारियां हैं वो साझा करना चाहता हूँ, मेरे पास अभी नहीं है, और तीसरा है कि मैं साझा नहीं करना चाहता हूँ। तो ये आपके ऊपर है, आप यस करके आराम से वहां पर भर सकते हैं। मैंने भर दिया कि अभी मेरे पास जानकारी नहीं है तो मैं उसको आगे करके सबमिट कर देता हूँ, और श्योर टू सबमिट, इसको ओके करके और यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे हम, ठीक है। अब यहां पर आएंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अप्लाई फॉर एंड एग्जाम डिटेल्स, एग्जाम सेंटर डिटेल्स, ठीक है। यहां पर किस किस चीज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट आप फिल करना चाहते हैं, और दूसरी चीज कि आपकी सिटी क्या है, कौन कौन कहां पे आप सेंटर सिटी लेना चाहते हैं, इससे जुड़ी हुई डिटेल यहां पर आपको भरनी है। तो चलिए सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे कि सीवीटी पीजी है, टेस्ट पेपर आपको चेक करना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमने वीडियो बना दी है। एक चीज ध्यान रखेंगे, आपकी टोटल यहां पर 6 कैटेगरीज में जो कोड है उसको बांधा गया है, बंच किया गया है, क्लियर है। 6 कैटेगरीज क्या है, पहला है आचार्य यानी शास्त्री वाले जितने बच्चे होंगे उनको एसी वाले में अपना ढूंढना है, एसी वाला जितना भी ये कोड है वो सब आचार्य के लिए है, ठीक है, पहला समझ में आ गया आपको। दूसरा है कॉमन पेपर, कॉमन पेपर में आप देखेंगे बीएड का जो पेपर है, अगर आप ह्यूमैनिटीज के लिए देना चाहते हैं तो पहले बीएड, अगर नॉर्मल बीएड है तो सीओक्यूपी 03 है, अगर आप ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस के लिए देना चाहते हैं तो सीओक्यूपी 04 है, अगर लैंग्वेज के लिए, तो ऐसे करके अलग अलग कॉमन पेपर के लिए भी बंचिंग की गई है। इसी में आपका बीएड भी आएगा, डिजास्टर स्टडीज, जनरल, MBA के लिए LLM, MEd, MA Education, ये सब जो आ रहा है वो किसमें आ रहा है, कॉमन पेपर का, ये दूसरा कैटेगरी है। तीसरा कैटेगरी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स आएंगे इसमें, ये तीसरा कैटेगरी है, इसमें ह्यूमैनिटीज के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आपका हिस्ट्री है जो कि HUQP 09 है,
ज्योग्राफी का HUQP 08 है, ऐसे करके अलग अलग सारे का यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे फिलोसफी का HUQP 16 है, साइकोलॉजी का 20 है, सोशल वर्क का 21 है, सोशियोलॉजी का 22 है, ऐसे करके अलग अलग। जैसे अब आते हैं चौथे में, चौथा कैटेगरी जो है वो लैंग्वेज का है, यहाँ पर आर्ट्स के यानी जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं वो दिए हुए हैं। इसमें आप देखेंगे कि इंग्लिश के लिए 01 है LAQP लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर 01, ये है इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, ऐसे करके अलग अलग जो है वो पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, ये रहा हमारा चौथा। चौथे के बाद पांचवा जो है वो है एमटेक के लिए, एमटेक के जो भी बच्चे हैं वो इसमें से कैटेगरीज अपना चूज कर सकते हैं। और जो सबसे लास्ट है वो है साइंस वाले बच्चों के लिए, साइंस वाले बच्चे जो भी एमएससी करना चाहते हैं उनका है SCQP, जो भी उससे रिलेटेड आपके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। क्लियर है, एक साथ आप मैक्सिमम अगर 3 भरेंगे तो आपको ₹1000 जनरल वाले बच्चों के लिए, और जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे इसमें वैसे वैसे आपके प्राइस ₹500 पर पेपर बढ़ता जाएगा। क्लियर है, इसमें टोटल आप 7 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। मैंने लेट्स अज्यूम हिस्ट्री ले लिया है, हिस्ट्री के साथ मैं ज्योग्राफी ले लेता हूं, ज्योग्राफी के साथ मैं बीएड चूज कर लेता हूं। ठीक है, मैं यहां बीएड चूज कर लेता हूं, बीएड इन ह्यूमैनिटीज चूज कर लेता हूं। ठीक, उसके साथ मैं चाहता हूं कि मैं कोई और एक सब्जेक्ट ले लूं, जैसे मैं सोशल वर्क से भरना चाहता हूं तो सोशल वर्क हमने चूज कर लिया। ठीक है, टोटल हमने 3 चूज कर लिया क्योंकि हमारा जो है पेपर का पैसा जो है वो सेम लगे। ठीक, अब देखिए यहां पर एग्जाम सेंटर मैं कहां कहां देना चाहता हूं। मेरे अनुसार यूपी के लिए दिल्ली, हरियाणा और साथ में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हमने चूज कर लिया। अब यहां पर पहला अगर उत्तर प्रदेश आप चूज करते हैं तो इसमें आपको अलग अलग सब देगा कि कहां आप सेंटर चूज करना चाहते हैं। दूसरा भी मैंने उत्तर प्रदेश ही चूज कर लिया और यहाँ पर एग्जाम सिटी में मैंने आगरा चूज कर लिया। अब यहाँ पर फादर का है जो वो करना है, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन में लेट्स अज्यूम हमने बिजनेस डाल दिया। बिजनेस के बाद आपका ये पूछ रहा है कि वो क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट कर दिया। अगर आप माता जी का अगर क्या कहते हैं ऑक्यूपेशन जो है वो गृहिणी है तो उसमें क्या करना है, अदर्स आपको चूज कर लेना है। माता जी का क्वालिफिकेशन मैंने ग्रेजुएट चूज कर लिया। फिर से आपको सिक्योरिटी पिन डालनी है तो हम क्या करेंगे, 2EN180 ये हमारा सिक्योरिटी पिन है, फिर से इसको फिल करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये रहा हमारा अप्लाई फॉर जो भी हमारे सब्जेक्ट चूज करने थे। अब यहाँ पर सेंटर पूछेगा यानी यूनिवर्सिटी कौन कौन सी चूज करनी है। हिस्ट्री का अगर आपको भरना है तो किस किस यूनिवर्सिटी के लिए आप देना चाहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो काम होगा वो इस प्रक्रिया में होगा। देखेंगे आप अगर यहाँ पर क्या है कि पहला हमने चूज किया था COQP 04 जो कि था हमारा क्या कहते हैं बीएड का था। क्लियर है, ये बीएड का था। तो यहाँ पर बीएड का क्या है, बीएड 2 जगह पर है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आप सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। दूसरा पूछ रहा है क्वेश्चन पेपर मीडियम, तो यहाँ पर क्या है हिंदी और इंग्लिश दोनों चूज कर सकते हैं, आपको जो मन करे। मैंने हिंदी चूज कर लिया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। यहां पर अलग से जब पूछ रहा है तो मेरी ऐसी मतलब मानना है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था हमने हिंदी चूज किया था तो हिंदी के लिए दोनों सेक्शन में आ रहे थे आंसर्स। ठीक है, अब इस यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि जिन लोगों ने भी हिंदी चुना था वो अगर हिंदी के क्वेश्चंस का आंसर नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए सब्स्टिट्यूट था, वो इंग्लिश करके और इंग्लिश में भी आंसर दे रहे थे तो वो मान्यता हो जा रहा था। लेकिन अगर आपको यहाँ पर केवल जनरल पेपर का पूछ रहा है तो आप अगर उसमें इंग्लिश अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इंग्लिश चूज कर लीजिएगा, हिंदी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हिंदी चूज कर लीजिएगा। सिंपल EWS के लिए भी आपको केवल दो ही चीजें भरनी है, अभी भी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात आगे समझ में कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट है नहीं है कोई मतलब नहीं है। जब आपका रिजल्ट आएगा एडमिशन के समय, उस समय अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है वो उस चीज की डिमांड करेगी और आपको उस समय जमा करना होगा। तो कोशिश करिए कि अभी से अप्लाई कर लीजिए, सेंट्रल है तो सेंट्रल का और स्टेट है तो स्टेट का, दोनों का अप्लाई करके आप आराम से भर सकते हैं। लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपको केवल सेंट्रल ही मांगता है तो इसलिए कोशिश करिए कि सेंट्रल का ही आप बनवा लें। क्लियर है, कलेक्ट्रिएट में आप जाकर के वहां से सेंट्रल का आपका सर्टिफिकेट बन सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो अपनी फाइल है वो अपलोड कर दी है और इस फाइल का जो नियम है वो बस ध्यान रखिएगा कि JPG में होना चाहिए डॉक्यूमेंट और जो साइज होना चाहिए वो मिनिमम 10 KB से लेकर के 100 KB तक होना चाहिए दोनों का। और साइज का थोड़ा सा उसमें मैच करने को दे रहा है, वो आराम से आप खुद ही मैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आपके पास अगर डॉक स्कैनर हो, एक ऐप का नाम है जहां से आप कंप्रेस करके आप फाइल को छोटा कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो आराम से आप यूट्यूब कर लीजिए, हाउ टू इंक्रीज और डिक्रीज साइज ऑफ एन इमेज, ठीक है। ऐसा करके आप यूट्यूब करेंगे, वहां पे आपको जानकारी दे दी जाएगी कि कैसे आप अपने फाइल के साइज को घटा बढ़ा सकते हैं अगर यहां पर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। बाकी आप यहां पे सिक्योरिटी पिन डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, यस कर देंगे, आपका फाइल जो है वो आगे चला जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आएगा हमारा कि हर एक जो हमने पीछे फिल किया है डॉक्यूमेंट, जो डिटेल्स फिल की है उनको रिव्यू करने के लिए, अगर मैं चाहता हूं तो मैं रिव्यू कर सकता हूं। अगर एक बार फिर से इसको सारी चीजों को चेक कर लीजिएगा और अगर सारी चीजें ठीक है तो इन सब पे क्लिक करके, यहाँ पर क्लिक करना मत भूलिएगा, इसको क्लिक करके आराम से कि हाँ ये सारी बातें जो है वो सही हैं, ठीक है, आई एग्री करके फाइनल सबमिशन कर सकते हैं, आपका ये फाइल जो है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपका बस देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट, बस आप कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको पेमेंट करना हो पेमेंट करना हो तो आप पेमेंट कर सकते हैं, और अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो अभी भी आपकी जो फाइल है, जो एप्लीकेशन है वो एडिट हो सकती है जहां भी आप एडिट करना चाहते हो तो, ठीक है। और दूसरी चीज आपको यहां दे रहा है कि हम चाहते हैं कि हमारा ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाई हो जाए, तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी अपना वेरीफाई कर सकते हैं, आपके ईमेल आईडी पे जो है वो एक ओटीपी आएगी और वहां से आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। तो आपके ईमेल पे जो है वो एक ओटीपी आएगी, आप उसको डालेंगे। ईमेल पे ओटीपी आने में थोड़ा समय लग रहा है इसलिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा, कह रहा है कि 15 मिनट तक ले सकता है। बार बार रीसेंड ओटीपी मत कीजिएगा, एक बार रीसेंड करिएगा आराम से वो 15 मिनट के अंदर भेज देगा, ठीक है, क्योंकि बार बार आएगा तो वो एक्सपायर हो जा रहा है पीछे वाला, तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करके अपने ईमेल को पहले आप वेरीफाई कराएंगे। वेरीफाई कराने के बाद आप पे एग्जामिनेशन फॉर्म देखेंगे, चूंकि मैंने ईडब्ल्यूएस डाला था, ईडब्ल्यूएस डालने के बाद आपको चार सब्जेक्ट मैंने चुने थे, तो चार सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं, तीन सब्जेक्ट का 800 रुपए प्लस एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा 400 रुपए और एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है। यहाँ ऑनलाइन मोड हमने कर दिया, ये प्रोसीड कर सकते हैं आप, फ्री पेमेंट के लिए मैं एक्स्ट्रा जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आकर के आप तीन यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, SBI MOPS है, उसके बाद क्रेडिट ये कैनरा बैंक है, फिर HDFC जो है वो बैंक है, ठीक है। अब इन तीनों में से आप किसी एक को चुन सकते हैं, तो मैं जाता हूं SBI MOPS के थ्रू, प्रोसीड करता हूं, ठीक है। SBI के थ्रू जब आप आगे आएंगे तो ये आपको फॉर्मेट दिखेगा, यहां से आप देख सकते हैं पहला है नेट बैंकिंग का, दूसरा है कार्ड पेमेंट और तीसरा है अदर पेमेंट मोड। अदर पेमेंट मोड में अगर आप देखेंगे तो UPI है, और दूसरा जो है वो SBI ब्रांच के थ्रू आप कर सकते हैं, हम UPI के थ्रू जाना चाहेंगे। यहां से आप आएंगे तो इस पे आप QR कोड एक आएगा, उसको आप स्कैन करके आप किसी भी मोड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको QR चाहिए तो QR, अगर VPA चाहिए तो VPA, ठीक है। अब आप इसको स्कैन करेंगे, आराम से आपका पेमेंट हो जाएगा, आपको 3 मिनट के अंदर अंदर ये प्रोसीजर पूरा करना है। तो ये रही बात सारी जिसमें हमने जान लिया कि कैसे फॉर्म को भरना है। अगर अभी भी कोई आपको इशू हो तो आप आराम से हमें कॉल करके हमारे नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आगे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो CVT है इसकी तैयारी के लिए हम क्या क्या अपने BHU वाले द हिस्टोरिका के थ्रू हम तैयारी करा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो अभी हमारे पास जो कोर्सेस है वो है आपकी हिस्ट्री, उसके साथ साथ AIHC और तीसरा जो है वो है पॉलिटी, ठीक है। इन तीनों का कोर्स जो है वो हमारे BHU वाले द हिस्टोरिका के थ्रू चलाया जा रहा है। आप चाहें अभी इन तीनों का नया जो हमारा कोर्स लॉन्च हुआ है, जो क्रैश कोर्स के थ्रू, वो हम प्रारंभ बैच के अंतर्गत, ठीक है, प्रारंभ बैच के अंतर्गत हम इस बैच को लॉन्च किए हुए हैं। आप इन तीनों में से किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं फुल तैयारी, तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। 1 अप्रैल तक इसकी प्राइस जो होगी वो 1799 होगी। साथ में एक चीज और बता दें कि अगर आप अभी नवरात्रि के समय में अगर आप हमारा जो ये कोर्स है वो परचेस करते हैं तो हमारा कूपन कोड आप इस्तेमाल करके 200 की और एक्स्ट्रा छूट ले सकते हैं। कूपन कोड का जो नाम है वो है नवरात्रि 200। इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 200 की फ्लैट छूट मिल जाएगी। जल्दी से जाकर के कोर्स को परचेस कर लीजिए, प्रारंभ बैच को, और इसमें आपको पूरी की पूरी तैयारी जो है वो करा दी जाएगी। लाइव क्लासेस के साथ साथ स्टडी मटेरियल्स और सारी चीजें आपको ऐप पे उपलब्ध करा दी जाएंगी। हमारा ऐप जो है वो BHU वाले के नाम से प्ले स्टोर पे अवेलेबल है।
अगर आपको एक्स्ट्रा और कोई जानकारी चाहिए तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 9142719681, आप इस नंबर पे कॉल करके बीएच वाले द हिस्टोरिका से संपर्क कर सकते हैं। जो भी चीजें आपको फॉर्म से रिलेटेड जानकारी चाहिए या हमारे कोर्स से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए, तो ये रही मेरी बात। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।